आ गए, देर लगा दी बहुत, मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको, कुछ पूछना था मुझे तुमसे। जी कहें। बस होस्टेस की जॉब करती थी। उसने हमको सब कुछ बता दिया। जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। क्या तुम एक बस होस्टेस थी? हाँ थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुमने मुझे ही बताना जरूरी नहीं समझा? आप ही ने मुझसे कहा था ना शादी से पहले कि आप कुछ नहीं जानना चाहते मेरे माजी के बारे में। बताना चाहा था मैंने आपको, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या करती थी क्या नहीं, सब कुछ आपने मना कर दिया कि नहीं जानना चाहते। आपको कोई सरोकार नहीं मेरे माजी से। हाँ, लेकिन मेरा माजी तो मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दिया था ना। और अगर कोई ऐसी बात थी जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी तो क्यों नहीं बताई? हारून, बस होस्टेस की नौकरी में क्या गलत बात है? पता नहीं कितनी लड़कियां घरों से निकलती हैं चूल्हा जलाने के लिए, इसके अंदर क्या बुराई है? मैंने ये नहीं कहा। तुम जानबूझ के ये बात इस तरफ मोड़ रही हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे जॉब करने पे एतराज है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एक ब्रॉड माइंडेड इंसान, मुझे इस बात को छुपाने पर एतराज है। क्यों झूठ बोला मुझसे? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ एक बात छुपाई। ये झूठ है, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुम जानती हो तुम्हारी इस बात छुपाने से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी? जो बात मुझे अपनी बीवी के मुंह से पता चलनी चाहिए थी वो मुझे किसी और से पता चली। हमारे हालात खराब थे, कोई और जॉब मिल नहीं रही थी, इसलिए बस होस्टेस की नौकरी करनी पड़ी। हाँ, लेकिन इस पे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो भी एक ऐसे इंसान से जिसने तुम्हारी खातिर सब कुछ किया। तुम्हें क्या लगता था तुम अगर मुझे ये बात बता दी तो मैं तुमसे शादी ना करता? बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी मां से झगड़ा मोल लिया, तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अभी पता नहीं और तुमने कितने झूठ बोले मुझसे, क्या क्या छुपाया होगा। ये सब तो आपको रमशा ने कहा। ऐसी बातें ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। अगर रमशा मुझे ना भी बताती तो कोई और बता देता। मैंने कहा था ना, इस लड़की के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन करवा लो। ये कौन है, कहाँ की है, माँ बाप कौन है, किसे भाग के तो नहीं आई? लेकिन तुमने मेरी एक बात ना सुनी। तुम्हारे सर पे तो इसका भूत सवार था। अम्मी जी, आप अंदर जाइए, मैं बात कर रही हूँ। क्यों जाऊं, ये मेरा घर है और यहाँ पे होने वाली हर बात का मुझे इल्म होना चाहिए। पूछा तुमने इससे कुछ? बताया इसने कि ये कौन है, कहाँ से आई है, माँ बाप कौन है इसके? अम्मी जी, मैंने आपसे कहा ना मैं बात करूँ, आप जाइए। सुनो, तुम बस में खाना देती थी लोगों को, वेटर थी? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए। नहीं जाऊंगी। आप लोग मिलकर मुझे पागल कर देंगे, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। नफरत महसूस हो रही है मुझे तुमसे। जब बस चले ना तुम्हें हाथ से पकड़ के घर से बाहर फेंकूं अभी।